मध्य प्रदेश की आशा पर्यवेक्षक महिला संगठन के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं की महिलाएं शामिल हुई। बैठक के बाद रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन कलेक्टर छतरपुर को सौंपा गया। इस दौरान संघ की प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष हीरा देवी सिंह चंदेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वर्ष 2006 में हम बहनों का नियुक्त किया गया था और तब से लेकर आज तक दिनांक हो गई है, हम बहनों को महज 2000 रुपए का अल्पमान दे दिया जा रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। आशा उषा महिला संगठन के महिला संगठन में महामंत्री के पद पे हूँ, जिला महामंत्री के पद पे। हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं, मुख्यमंत्री के ज्ञापन कलेक्टर को दिए हम लोग के हमारा जो वेतनमान है बहुत न्यूनतम, हमारी आशा बहनों को 2000 रुपये दिया जाता है, हम लोगों को 10500 रुपये दिया जाता है। 15 तो ठीक है, 24 कर्मचारियों को देखना पड़ता है, मेरे यहाँ भी 24 कर्मचारी। हम बहनों ने ज्ञापन के माध्यम से, जैसा कि मीडिया के बंधु और सर्व समाज को ये विदित है कि एक मास से बजट सत्र शुरू होने वाला है, विगत कई वर्षों से हम आशा बहनों और पर्यवेक्षक बहनों की ये मांग चली आ रही है कि एक निश्चित मानदेय देने लागू सरकार करे।